आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है हमल का दोबारा ना ठहरने की वजूहात। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर सलेहुमा है और मैं गायनी की असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है हमल का दोबारा ना ठहरना, यानी कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। किसी भी कपल को सेकेंडरी इनफर्टाइल हम उस वक्त लेबल करेंगे जब अगर माँ की उम्र 35 साल या उससे कम हो और वो एक साल तक अपनी मियाँ के साथ रहने के बावजूद हमल नहीं उनका ठहर रहा, तो उसमें हम उन्हें सेकेंडरी इनफर्टिलिटी को लेबल करेंगे। और यही उम्र अगर माँ की उम्र 35 साल से ज़्यादा या 40 के करीब हो जाती है और वो 6 महीने तक कोशिश करते हैं, तो हम उन्हें फिर सेकेंडरीली इनफर्टाइल कपल लेबल करेंगे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की बहुत सी वजूहात हैं, यहाँ मैं एक लम्हे के लिए रुकना चाहूँगी और आपको ये बताना चाहूँगी कि जब भी बांझपन का कोई भी एवेल्यूएशन होती है या ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो मियाँ और बीवी दोनों का बरवक्त इलाज और मुआयना इलाज बहुत ज़रूरी होता है। हम नॉर्मली फीमेल को लेके आते हैं और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि अदरवाइज़ मेल फैक्टर इन्वॉल्वमेंट हो। तो उसके लिए जो फीमेल फैक्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, वो माँ की उम्र है। अगर उम्र उसकी 35 साल से बढ़ जाती है तो अंडों की जो खासियत या क्वालिटी है वो गिर जाती है और उसमें हमल होना ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद ट्यूबल फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी वो ट्यूब्स जो कि बच्चेदानी के साथ मिलती है और हमल उनके अंदर ठहरता है और फिर बाद में बच्चेदानी के अंदर वो इम्प्लांट हो जाता है। अगर ट्यूब में कोई फैक्टर की प्रॉब्लम है जो कि हो सकता है कि पहले पिछली सर्जरी की वजह से हो जाए, पिछली प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड कोई फैक्टर हो जिसमें एबॉर्शन है और डीएनसी की गई और इन्फेक्शन हो गया और ट्यूब ब्लॉक हो गई, या फिर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुई, ट्यूब में ही प्रेगनेंसी हुई और ट्यूब को काट दिया गया, या फिर यूट्रस की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसमें जकड़ाव हो गया या फाइब्रोसिस हो गया, तो हमल दोबारा होने का प्रॉब्लम हो गया। इसके अलावा इन्फेक्शंस हैं जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ट्रांसफेक्शंस हैं जो कि ट्यूब्स को ब्लॉक करने का बायस बनते हैं। फिर यूट्राइन फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें फाइब्रॉइड या पॉलिप्स हैं जो कि ट्यूब्स को ब्लॉक करते हैं, अगर ब्लॉक कर रहे हैं तो उस सूरत में ये इनफर्टिलिटी का कॉज बनेंगे। उसके अलावा कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं जिसमें कि थायराइड की डिज़ीज़ है, हाइपरपोलेटिनीमिया जो कि जिसमें माँ के दिमाग के अंदर एक हदूद बढ़ जाती है जिसकी वजह से उसकी अंडेदानी पे भी असरात होते हैं और अंडे नहीं बनते, माहवारी भी रुक जाती है और अंडे बनने में और हमल होने में मुश्किल पेश आती है। थायराइड की प्रॉब्लम के लिए अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, जिस्म में दर्द होता है, अक्सर कब्ज रहती है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा माहवारी आती है, तो इन सब सूरतों में उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि ये उन वजूहात में से एक वजह ना बन रही हो कि उसका हमल नहीं ठहर रहा। फिर हम बात करते हैं मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस कंसीव की कंसेप्शन के बाद दोबारा वो क्या अनासर हैं जो कि आपकी मेल फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं, उनको हम बेहतर तौर पे सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट पे देख सकते हैं। सीमेन एनालिसिस में अगर हम देखें तो इसमें स्पर्म काउंट है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी है, मोटिलिटी है और प्रेजेंस ऑफ एनी पस सेल्स जो हैं वो इंडिकेट करते हैं कि मेल फर्टिलिटी इफ़ेक्ट हुई है। उसकी वजूहात में अगर रिसेंट उसको ब्लड प्रेशर या शुगर का मर्ज हो गया है या कोई वायरल इन्फेक्शन लाइक द मम्स हुए हैं, कोई पेल्विक सर्जरी या ट्रॉमा हुआ है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। वेरिकोसील एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को इफेक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेल लाइफस्टाइल की बात करते हैं जिसमें वो स्मोकिंग या अल्कोहल इनटेक कर रहे हैं, तो वो भी आपकी मेल फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन मर्दाना और जनाना वजूहात के बाद क्या कोई कपल दोबारा कंसीव कर लेगा? जी बिल्कुल, ये सारी जो कॉजेज मैंने आपसे डिस्कस की हैं वो ट्रीटेबल हैं और अगर टाइमली उसका इलाज किया जा सके तो आप को दोबारा इंशाल्लाह ताला फर्टाइल ऐसे फर्टाइल कपल अब ज़िंदगी गुजारेंगे। इस टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
उसके अलावा अगर मेरी आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो मरहम के थ्रू ऑनलाइन या इन क्लिनिक आप मेरी बुकिंग करा सकते हैं।